सलमान एज अ हस्बैंड चाहिए। आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ती हैं? 95 नहीं यार, तुम लड़कों की क्या दिक्कत है, उनके क्यों पीछे पड़ रहे हो शादी के? वो सिंगल है अभी, तो कम से कम सबका पत्ता खुला तो है। अगर शादी करेंगे फिर तो उम्मीदें ही निकल जाएंगी तुम्हारी एंड तक, है ना? कुछ बदलने वाला तो है नहीं उसके बाद भी। आदमी को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सही बात है सर, वी शुड नॉट चैनलाइज अवर लव, वी शुड स्प्रेड इट सर, स्प्रेड ऑलवेज यूनिवर्स सर। सर आपकी फिल्म आ रही है सर, प्रेम रतन धन पायो, और आप यहाँ आयो। कुछ फिल्म के बारे में बतायो सर। बताना क्या है इस फिल्म के बारे में? जिन्होंने मुझे फर्स्ट लॉन्च किया था, मैंने प्यार किया मैं एज ए हीरो, वही ये फिल्म बना रहे हैं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं के बाद ये फिल्म आएगी, विच इज कॉल्ड प्रेम रतन धन पायो। एंड आई थिंक कि ये है सूरज बड़जात्या की सबसे बेस्ट फिल्म। सिंपल प्लॉट है जो कि हम सब मानते हैं लाइफ के अंदर के भाई बहनों का झगड़ा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो भाई बहनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। बस यही प्लॉट है, यही फिल्म है, और इसमें कोई मैसेज भी नहीं, ये सब जानते हैं, बट जिस हिसाब से डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले हैं, जैसे गाने हैं, कॉमेडी है, रोमांस है, इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल फिल्म। और फिल्म देखते देखते जब बाहर निकलोगे थिएटर से, तो गारंटी है कि आप अपने घर वालों को फ़ोन करोगे, दोस्तों को फ़ोन करोगे, तो ना छोड़ यार मिट्टी पाओ। पर मुझे ये जानना है कि आपने इतने सारे फिल्मों में प्रेम का किरदार निभाया है, तो ये फिल्म में क्या नया है एज अ कैरेक्टर प्रेम? करीबन 16-17 साल के बाद, आई थिंक 15-16 साल के बाद मैं काम कर रहा हूँ सूरज बड़जात्या के साथ। तो प्रेम मैंने प्यार किया मैं था, प्रेम हम आपके हैं कौन मैं था, हम साथ साथ हैं मैं था, और अब प्रेम रतन धन पायो में है। ये जो प्रेम है बाकी के प्रेमों से बहुत अलग है, क्योंकि इस प्रेम के अंदर आपको, मैं स्ट्रेट आउट सूरज बड़जात्या को फॉलो करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल प्रेम को है। सलमान, सूरज बड़जात्या जी जो है वो हमेशा फैमिली फिल्म्स बनाते हैं, और आप भी अपने फैमिली के काफी करीब हो, तो क्या ये रीजन आप है? नहीं अपने फैमिली ऑफ कोर्स मैं हूँ। ऐसा कौन है जो कि अपने फैमिली से करीब नहीं है? जनरली लोगों के पास टाइम नहीं होता है फैमिलीज के साथ वक्त बिताने का। अच्छी बात है, मैंने हमेशा, अच्छी बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। बट आई हैव ऑलवेज सीन कि आप हमेशा फैमिली के साथ रहते हो, जो भी फेस्टिवल होती है। हाँ वो तो, हाँ, जो फेस्टिवल्स के अंदर साल के अंदर 15-20 दिन मिल जाते हैं ऐसे जी, आपको शायद ज्यादा ही मिलते होंगे, तो इट्स नॉट